दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मक्का मदीना बेहद पवित्र जगह मानी जाती है। मक्का मदीना का इतिहास उतना ही खास है जितना अन्य धार्मिक स्थलों का है। मक्का मदीना सऊदी अरब में मौजूद है। बता दें, इस्लाम के सबसे पहले प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वो जगह है जहां गैर मुस्लिमों के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जी हां, अन्य धर्म के लोग नहीं जा सकते। सऊदी अरब में मक्का और मदीना मौजूद है। ये वो शहर है जो पूरा साल मुसलमान के लिए बेहद पाक माना जाता है। यहां आने वाला हर इंसान खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता है। इसे इस्लाम धर्म में सबसे पाक समझा जाता है और यही कारण है कि यहां प्रवेश करने वालों के लिए कुछ खास नियम भी हैं। इनमें से सबसे बड़ा यह है कि इन शहरों में सिर्फ मुसलमान ही आ सकते हैं। किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति के लिए यहां आना मना है। मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। इस्लाम के पहले प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म यहीं पर हुआ था। इसके अतिरिक्त यह स्थान व्यापार का भी प्रमुख केंद्र रहा है। विश्व के सभी मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा पर जाने को हज कहते हैं, तो आज बात करेंगे कि तब क्या हुआ, तब एक साधु को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोका। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है एक अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक साधु महाराज जी से, जिनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, क्योंकि उस साधु का मानना था कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसलिए हम साधु का नाम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो किया, वह हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, यह बात साल 2020 की है, जब साधु महाराज अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में जाकर अपनी कथा किया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं की स्थिति बहुत बुरी है, वहां पर हिंदू धर्म वालों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो यह सारी बातें जानकर उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने निश्चय किया कि वह अलग अलग इस्लामी देशों में जाकर वहां पर मौजूद थोड़े बहुत जो भी हिंदू लोग हैं, उन्हें अपने धर्म के प्रति जगाएंगे, ताकि वह इस्लाम देश में रहने के बावजूद भी एक हिंदू की तरह जिंदगी जी सकें। ठीक उसी तरह जैसे भारत जैसे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यहां पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। लोग अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो फिर हिंदुओं को भी दूसरे देश में जाकर बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए साधु बाबा ने सभी अलग अलग देशों में जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं करी। लेकिन जब वह सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही नजारा देखने को मिला। असल में जब बाबा सऊदी अरबिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है। वहां पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। अब अरब का माहौल तो ठीक था, लेकिन तभी उन्हें मक्का के बारे में पता चला, जो साधु बाबा की कथा वाली जगह से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर था। तभी साधु को पता चला कि मक्का मदीना वह जगह है जहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है, यानी कि कोई गैर मुस्लिम इन जगहों पर नहीं जा सकता। हालांकि इन जगहों के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ा, जिसमें खास तौर पर यह बताया गया है कि काबा में लगे पत्थर, जिसको इस्लाम धर्म के लोग चूमते हैं, वह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग है। इतिहास की पुस्तक में लिखी इस बात को जब साधु ने जाना, तो यह बात जानकर साधु महाराज को बहुत हैरानी हुई और वह सोच में पड़ गए कि जिस स्थान पर हमारा शिवलिंग है, वहां हमें ही नहीं जाने दिया जा रहा है। उस पुस्तक से पूरा सच जानने के बाद साधु महात्मा मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग को देखने की इच्छा जताने लगे। वह चाहते थे कि मक्का के इस शिवलिंग को वह भी देखें और जाने कि आखिर क्यों यहां के लोग गैर मुसलमानों को अंदर नहीं आने देते और इस शिवलिंग को लोग इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। और इन्हीं सारी बातों को जानने की जिज्ञासा में साधु ने सबसे पहले तो एक मुस्लिम शख्स का वेश धारण किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब वह मक्का मदीना पहुंचे थे, तो कुछ किलोमीटर पहले ही चेकिंग के लिए एक गार्ड ने उनके हाथ पर ओम का निशान देख लिया। इस निशान को देखने के बाद वह गार्ड तुरंत समझ गया कि यह कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू है, इसलिए उन्हें मक्का मदीना के अंदर जाने से रोक दिया गया। लेकिन साधु महाराज चुपचाप वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक गार्ड से कहा कि यहां पर हमारा शिवलिंग मौजूद है, तो फिर तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो। साधु की बात को सुनने के बाद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ी देर तक जांच पड़ताल चली, लेकिन बाद में साधु महाराज को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध साधु महात्मा और कथावाचक थे।
उन्हें इस तरह से ज्यादा लंबे समय तक गिरफ्तारी में रखना ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इन सारे चक्रों में वो मक्का मदीना नहीं जा पाए। इसी बात को लेकर उनके मन में हमेशा ही असंतुष्टि बनी रहती थी। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो चारों तरफ फैलने लगी। वायरल होने वाली फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई यह दावा कर रहा है कि मक्का मदीना में बने काबा के नीचे वाले भाग में शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। और यह फोटो कहती है कि वैदिक साहित्य का इतिहास पुस्तक में शिवलिंग के बारे में जो बातें लिखी थीं, वो शत प्रतिशत सही है। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि काबा का ही एक कोना है, जिसे रुक्न अल यमनी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस काले पत्थर को लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस काले पत्थर का राज है क्या और क्यों इसके बारे में इतनी अलग अलग तरह की बातें प्रचलित है। असल में दोस्तों, जब इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोग हज की यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं, तो यहां मौजूद काबा में लगे काले पत्थर को चूमना नहीं भूलते। कहा जाता है कि इस काले पत्थर को चूमकर जो कोई भी दुआ मांगी जाए वह पूरी जरूर होती है। यह काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक बहुत ही पवित्र पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर आदम यानी कि आदम और हव्वा के जमाने का है, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। कहा जाता है कि यह काला पत्थर इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र है। यह भी माना जाता है कि यह पत्थर शुरुआत में पूरा सफेद रंग का था, लेकिन जिस जिसने इस पत्थर को छुआ उनके पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। हालांकि कई सारे लोगों का यह मानना है कि यह पत्थर शुरुआत से ही काला है। अब सच क्या है और झूठ क्या है, यह तो किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन इस्लाम धर्म में इस काले पत्थर को किसी भगवान से कम नहीं समझा जाता करते, बशर्ते उनके धर्म में भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन फिर भी वह पत्थर को इतना अहम मानते हैं कि उसे चूमे बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। इस्लाम को मानने वाले हर एक शख्स के लिए कम से कम जीवन में एक बार हज यात्रा करना बहुत जरूरी माना जाता है, बशर्ते उसके पास उसके लिए जीवन में सुविधा हो, यानी कि आर्थिक रूप से उसके पास सुविधाएं हो, उसे मक्का जाने के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े और ना ही उसका पैसा चोरी मक्कारी और धोखे का होना चाहिए, और वह शारीरिक रूप से सक्षम हो। इतना होने पर श्रद्धालु मक्का जाकर अपनी हज यात्रा पूरी कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पूरे 5 दिन मक्का में बिताना होता है और 5 अलग अलग दिनों की अलग अलग रस्में निभानी होती है। हज की यात्रा के दौरान इन रस्मों का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से अगर कोई हिंदू काबा के अंदर जाना चाहे तो वह नहीं जा सकता, किसी न किसी तरह से उसे रोक दिया जाता है। लेकिन इन साधु महाराज के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहने के करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।